तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइड टोस्ट, जो कि बहुत ही मजे के तैयार होते हैं। तो उसके लिए मैंने गाजर लिया है, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, बंद गोभी लिया है उसको भी चॉप कर लिया है, और 3 से 4 आदद मैंने आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके मैश कर लिया है। एक पैन लेंगे, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसमें 2 से 3 चुटकी जीरा ऐड करना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून से कम इसमें नमक ऐड करेंगे, और 2-3 चुटकी के बराबर हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इन तीनों चीजों को ऐड करके हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी, क्रश की हुई गाजर और मैश किए हुए आलू। इन तीनों चीजों को ऐड करके हमने इसको फ्राई करना। आप आलू की जगह इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। हमने सिर्फ इसको 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि जो हमने इसमें सब्जियां ऐड की हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। आप इसको 1 मिनट तक हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, और ये देखिए बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको एक बाउल में डाल लेंगे। हम एक बाउल लेंगे, उसमें एक अंडा ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें 2 चुटकी के बराबर नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश ग्रीन धनिया ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को बनाकर दे रहे हैं लंच बॉक्स में, तो इसमें ग्रीन चिली बिल्कुल ऐड मत करें, क्योंकि वो बहुत तीखी होती है, जिसे बच्चों अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 4 हमने स्लाइस ले लेने हैं, किसी भी साइज़ के आप इसमें स्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 1 by 1 एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, केचप ऐड करेंगे, टोमेटो सॉस आपने ऐड करनी है, केचप वो इसके ऊपर लगा देंगे। चारों स्लाइस पर आप टमाटो केचप लगा लें, चारों स्लाइस पर आपने केचप लगा लेनी है। केचप हमने स्लाइस पर लगा ली, अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर सारा अपना मिक्सचर रखेंगे इस तरह से। साथ साथ आपने स्पून की मदद से जो हम इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे उसको दबाना है, ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर प्रेस हो जाए। दोनों स्लाइस पर हमने मिक्सचर लगा ली, अब क्या करेंगे, दूसरे स्लाइस पर भी हमने केचप लगा ली थी, तो वो इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और दबा देंगे। किनारों से आपने अच्छी तरह से प्रेस कर देना। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग कर लिए, ये बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे से स्लाइस बन जाएंगे। इनको एक प्लेट में रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 1 by 1 टोस्ट को पकड़ेंगे, अंडे में डिप करेंगे। इसको ऑयल में इस तरह से फ्राई करेंगे। आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इसको फ्राई करना है, लाइट गोल्डन कलर का आपने इनको फ्राई करना है। 1 by 1 करके आप इसको इस तरह से ऑयल में फ्राई करें। आपने इस तरह से लाइट गोल्डन से कलर के फ्राई करने हैं। ये बहुत ही मजे के और क्रिस्पी से तैयार होते हैं। इधर हमारे टोस्ट फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इनको एक प्लेट पे निकालेंगे। ये देखिए इतने ही मजे के तैयार हुए हैं। 1 by 1 करके हम इनको निकाल लेंगे।
इसी तरह से आपने अपने सारे टोस्ट फ्राई कर लेने हैं। तो इधर हमारे फ्रेंच टोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।